मध्य प्रदेश की बात करेंगे, जहां संभागों, जिलों और तहसीलों का सीमांकन अब नए सिरे से किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने परिसीमन आयोग का गठन भी कर दिया है। 3 सदस्यीय आयोग का अध्यक्ष रिटायर्ड ACS मनोज श्रीवास्तव को बनाया गया है। सदस्यों के नाम पर फैसला बाद में लिया जाएगा। आम लोग इस आयोग को अपने क्षेत्र की प्रशासनिक संरचना को लेकर सुझाव दे सकेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार सुबह बीना रवाना होने से पहले एक वीडियो जारी कर ये जानकारी दी है। जब जिले तो बढ़ गए हैं, लेकिन जिलों की अपनी अपनी सीमाएं कम ज़्यादा है या कई विसंगतिपूर्ण है, कई संभाग बड़े छोटे हो गए, ऐसे कई विसंगतिपूर्ण व्यवस्था के लिए हमने परिसीमन आयोग एक नया बनाया है। इस परिसीमन आयोग के माध्यम से नज़दीक के स्थान को नज़दीक के जिले से जुड़वा करके जनता की बेहतरी के लिए जो अच्छा हो सकता है वो जरूर करना है। तो संभाग, जिले, इनका एक बार पुनर्परीक्षण कर रहे हैं। इसमें मैंने एक आयोग बनाया है। आयोग के सदस्य ACS लेवल के रिटायर्ड श्री मनोज श्रीवास्तव जी को मैंने जवाबदारी दी है। तो देखिए, सरकार ने परिसीमन आयोग का गठन कर दिया है। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि आयोग से जुड़ी हुई खास बातें आखिर क्या हैं। तो देखिए, मुख्यालय इस आयोग का भोपाल में रहेगा। अवधि इसकी 1 साल होगी। आयोग से जुड़ी खास बात यह है कि संभागों, जिलों में जाकर जनता से सुझाव लिए जाएंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि 1 साल की अवधि होगी इस आयोग की। आयोग नई प्रशासनिक इकाइयों के गठन के लिए अनुशंसा करेगा और रिपोर्ट बनाकर शासन को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। तो देखिए, भोपाल में मुख्यालय होगा इस आयोग का और 1 साल अवधि होगी और संभागों, जिलों में जाकर सीधे जनता से सुझाव यह आयोग लेगा। अब तीन सदस्य आयोग में कौन कौन होगा और इन्हें क्या वेतन मिलेगा? तो देखिए, अध्यक्ष होंगे प्रशासनिक अनुभव और योग्यता रखने वाला रिटायर्ड ACS मनोज श्रीवास्तव को अध्यक्ष बना दिया गया है। अध्यक्ष के साथ 2 और सदस्य शामिल होंगे। अब ये जो सदस्य होंगे, ये सदस्य केंद्र या राज्य शासन में 20 साल की सर्विस पूरी कर चुके हों, सचिव या समकक्ष पद से रिटायर्ड अफसर हों, राज्य सरकार के सचिव पद के समान वेतन और महंगाई भत्ता इन्हें दिया जाएगा। तो अब ये भी जान लीजिए कि पिछले 5 साल में 4 नए जिले बने हैं। निवाड़ी को 2018 में जिला बनाया गया, उसके बाद 2023 में मऊगंज, पांडुर्णा और मैहर को नया जिला बनाया गया है। 4 नए जिले मध्य प्रदेश में बना दिए गए हैं और उसके बाद अब सरकार ने परिसीमन का फैसला लिया है।